हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेम प्लेट बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम MDF बोर्ड का लेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने पहले डिज़ाइन बना लिया है जिससे टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले से ही बना के रख रखा था। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको अटैच करा है। अलग अलग तरीके के इसमें डिज़ाइन होते हैं, तो किस तरीके से आप डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कीलो से इसमें अटैच कर रखा है और पेस्ट भी किया हुआ है। तो इसमें मैंने वाइट प्राइमर का भी यूज़ किया है जिससे आप इसमें वाइट कलर को देख रहे हैं। ये ब्राउन कलर का था MDF बोर्ड जिससे मैंने इसमें प्राइमर कर दिया है। अब इसमें मैं करूँगा एक्रेलिक वॉल पुट्टी जिसमें हम टेक्सचर बनाएंगे, जिसमें जो भी मेरी यहाँ पे इसमें नेल्स आ रही हैं, जो कील इसमें हमने लगाई हुई है, वो उसको हम टेक्सचर के थ्रू हम इसको हाइड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इसमें टेक्सचर करना है। कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जैसे लोग ज़्यादातर जेसो कंपनी का जो आता है टेक्सचर बनाने के लिए वो यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल सेम जेसो की तरह ही है। ये एक्रेलिक वॉल पुट्टी का हम यूज़ करते हैं। अब इसमें हम स्पंज फोम से इसमें टेक्सचर को कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे जिससे हमारा जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा निकल के आ जाता है। कुछ इस तरीके से देखिए, ड्राई होने के बाद हमारा ये टेक्सचर रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, मैंने बैकग्राउंड में अलग टेक्सचर दिया है और जो नीचे हाउस कटिंग जो आ रही है वहाँ पर मैंने टेक्सचर का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिया है जिससे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लुक लगे। अब इसमें हमें एक्रेलिक कलर करना है, तो एक्रेलिक कलर करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर लूँगा।